हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटास्टिक डिसीजन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भाई जोस के सीए क्लब चैंपियनशिप टी20 के जो कोई मैच होने वाले हैं ऐसे AGORC वर्सेस BK55 के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार और लास्ट में हमारी फैंटास्टिक टीम देख लेते एक बार कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इसमें कि इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट हम लोग कवर करें यहाँ से, पहली मैच से ये टूर्नामेंट पूरी कवर करें यहाँ से KCA T20 और आगे भी आपको फाइनल तक ये टूर्नामेंट कवर की जाएंगी। इसके साथ साथ आपको मिल जाएंगे ऐसे ECS T10 के वीडियोज मिल जाएंगे, इसके साथ साथ आपको मिल जाएंगे ऐसे MCA T20 जो कि ऐसे Malaysia T20 खेली जा रही है उसके मैच के वीडियो भी मिल जाएंगे। तो सारे अच्छे मैचेस की वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है और जैसे टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलेगा क्योंकि यहां से फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको टेलीग्राम में मिलेगी, इवन IPL वगैरह की भी पूरी अपडेट और टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगी। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अटैच किया हुआ है टेलीग्राम का, इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे, मेरे बहुत सारे भाई कंप्लेन करते हैं कि भाई आपकी लिंक वर्क नहीं कर रही है, तो यहां से उनको क्या करना है, टेलीग्राम में जाना है, सर्च करना है यहां से फैंटेसी डिसीजन चैलेंजर या फिर आप सर्च कर सकते हो वहां पर FDC27 और आपको दिखेंगे यहां से 1550 के आसपास सब्सक्राइबर दिखेंगे, तो आपको वही चैनल को ज्वाइन कर लेना है क्योंकि हमारे नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल भी बने हुए हैं तो वो आपसे पैसा वगैरह भी मांग सकते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलना है कि 1550 के आसपास सब्सक्राइबर दिखेंगे, वही चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहीं पर ही आपको फाइनल अपडेट और टीम मिलने वाली है। तो बात करें इस मैच की, तो ये मैच सुबह में 9 बजे सनातना धर्मा कॉलेज ग्राउंड अलापूजा में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो ऐसे बॉलिंग के लिए थोड़ी बहुत अच्छी पिच है, लेकिन यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से बैटिंग से भी कभी कभी अच्छे स्कोर बन जाते हैं, यहाँ से 200 के प्लस भी यहाँ से तीन बार यहाँ से 200 प्लस का स्कोर भी बन चुका है, तो यहाँ से बड़े स्कोर भी होते हैं लेकिन बॉलर्स को फिर भी हम लोग यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंस देके चलेंगे। एवरेज स्कोर की बात करते 140 रन के आसपास स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है, इवन इससे कम या इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन रेयर केस में इससे ज्यादा शायद ही आपको स्कोर बनता हुआ नजर आएगा। चेजिंग रिकॉर्ड की बात करें तो 25 मैच में से ऐसे 16 बार यहाँ से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती है, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करना पसंद कर सकती है। तो बात करते ऐसे टीम AGR की, तो यहाँ से 7 मैच खेली जिसमें से 5 मैच जीत के आ रही है, एक मैच हार के आ रही है और एक मैच उनका अबैंडनड हो गया, तो यहां से बारिश वगैरह के चांसेस कभी कभी रहते हैं तो चांसेस रहता है, लेकिन यहां से अगर मैच होती है तो यहां से सचिन मोहन और यहां से वैशाख चंद्रन दोनों ओपनिंग करवा सकते हैं। अभी देखो सचिन मोहन ने पूरी टूर्नामेंट के अच्छे स्कोर किया, यहां से 22-40 और यहां से 13-15 जैसे ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया, तो एज ए प्लेयर आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो क्योंकि वैसे भी बैटिंग सेक्शन में आपको ज्यादा ऑप्शन मिलने वाले नहीं है। वैशाख चंद्रन पिछले 3 मैच के अंदर जबरदस्त फॉर्म में चल रहे, तो एज ए प्लेयर आपके लिए एक अच्छी पिक बनेंगे, इनको जरूर अपनी टीम के अंदर लेके जाएगा, इवन हो सकता है ज्यादातर पब्लिक इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन करके भी आ सकती है, तो आप भी अगर सेफ जाना चाहो तो इनको कैप्टन या वाइस कैप्टनशिप के तौर पर भी ट्राई कर सकते हो। मोहम्मद शानू ने इतने कोई खास परफॉर्मेंस तो दिया नहीं है, लेकिन बैटिंग से पिछले 3 मैच के अंदर बात करो तो ऐसे 22 और 13 रन का डबल फिगर स्कोर दिया हुआ, तो बैटिंग सेक्शन से आई थिंक शायद ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो अगर आप ट्राई करना चाहो तो मोहम्मद शानू को ट्राई कर सकते हो क्योंकि यहाँ से इस बंदे ने पहले 3 मैच के अंदर ओपनिंग भी किया था, तो हो सकता है अगली मैच के अंदर ओपनिंग भी करवा सकता है। बाकी विकेट कीपिंग सेक्शन से यहाँ से अर्जुन एक ही एक अच्छी पिक होने वाली, और आई थिंक शायद सीधी पिक होने वाले अर्जुन एक, तो मैं इनको सीधा अपनी टीम के अंदर लेके जाऊंगा विकेट कीपिंग सेक्शन से। अखिल एमस वेरी पिक ऐसे बैटिंग से बॉलिंग से दोनों ही से यहाँ से धमाका मचा सकते हैं, 52 किए थे नो डाउट, इसके बाद यहाँ से 26 किए, 29 किए हुए, और साथ ही में यहाँ से पिछली तीनों ही मैच के अंदर दो दो विकेट निकालते हुए आ रहे, तो एज अ प्लेयर हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इवन मैं मेरी स्मॉल लीग की टीम के अंदर भी इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन करके जा सकता हूं, तो यहाँ से अखिल एमएस वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। बाकी ऐसे जीनेस PM की बात करो तो ओके पिक रहेंगे, ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग के लिए बहुत ही रिस्की है। बाकी अखिल KG उस लेवल के प्लेयर यहाँ से अभी तक पूरी टूर्नामेंट में 3 बार यहां से ओवर्स की हुई, जहां पर विकेट उनको सिर्फ यहां से 2 मैच के अंदर ही मिली हुई है, और बाकी लास्ट मैच के अंदर भी उन्होंने 2 ओवर्स की गेंदबाजी की थी तो विकेट नहीं मिला था, आई थिंक शायद ये कंसिस्टेंसी नहीं इनके परफॉर्मेंस के अंदर, लेकिन आप अगर रिस्की वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर कुछ इस लेवल का अगर परफॉर्मेंस देता है तो ऐसे वन साइडेड विनिंग भी करवा सकता है, लेकिन बहुत ही रिस्की रहेगा इनको लेके जाना।
बाकी मनु कृष्णन एक अच्छी पिक है, इनको मैं अपनी जरूर अपनी टीम के अंदर लेके जा सकता हूँ, क्योंकि ये बंदा जो है यहाँ से ओवर्स तो करवा रहा है लेकिन ये ज़्यादातर यहाँ से डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करवाता है। तो ऐसे मनु कृष्णन एक अच्छी पिक है और मैं इनको अपनी टीम के अंदर लेके जा सकता हूँ, लेकिन इनको भी लेके जाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो आप डिफरेंशियल खेलते हो या से रिस्की वगैरह खेलते हो तभी ट्राई करिएगा, बाकी सेफ चॉइस में मैं आपको बता दूंगा। सुदेश मिशन वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इवन कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए आप इनको ट्राई कर सकते हो सुदेश मिथुन को, क्योंकि अभी तक 3 बार वो 2 विकेट निकाल चुके हैं, यहाँ से 3 विकेट निकाल चुके हैं, तो कभी भी यहाँ से 2-3 विकेट निकालते हुए नजर आ सकते हैं। और बाकी ऐसे एनपी बशील भी यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की अच्छी चॉइस है। देखो आज की मैच अबांडेडेड हो गई थी तो यहाँ से मैंने रिकॉर्ड मेंशन नहीं किए हुए, लेकिन यहाँ से एनपी बशील ने ओवर्स भी की थी और यहाँ से 3 विकेट्स भी निकाली थी, तो जबरदस्त फॉर्म में चल रहे। आज की मैच के अंदर भी उन्होंने कल की मैच के अंदर भी उन्होंने 3 विकेट निकाली हुई, लेकिन यहाँ से खेल सिर्फ यहाँ से पहली मैच की यहाँ से 5 या 6 ओवर्स का गेंदबाजी हुई थी, तो इसके लिए मैंने यहाँ से मेंशन नहीं किया हुआ है। बाकी बशील एनपी और यहाँ से सुदेश मिशुन और यहाँ से अखिल एमएस, ये तीनों प्लेयर्स ऐसे जिनको आपको किसी को भी आप कैप्टन या वाइस कैप्टनशिप के तौर पर ट्राई कर सकते हो। बाकी अल्विन फिलिप्स ओके पिक रहेंगे, ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करना है, स्मॉल लीग के लिए बहुत रिस्की रहेंगे। स्टार्टिंग ओवर की बात करते हैं, यहाँ से मनु कृष्णन और यहाँ से बीएनपी यानी कि बशील एनपी स्टार्ट करेंगे, और डेथ ओवर्स में यहाँ से सुदेश मिशुन, यहाँ से मनु कृष्णन और यहाँ से बशील एनपी आपको डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। बाकी बेंच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा। एक ही बंदा है जिनको आपको सीधा कैप्टन बना के जाइएगा, सचिन बेबी अगर खेलते तो यहाँ से सीधे हमारे कैप्टन रहने वाले, बाकी और कोई भी खेलेगा तो इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। बात करते हैं ऐसे टीम BK55 के, तो 7 मैच खेली जिसमें से 2 जीती है, 4 हारी और 1 मैच यहाँ से इनका अबांडेडेड हो गया। बाकी विकेट कीपिंग ऑलराउंडर ओपनिंग में यहाँ से वरुण नायावर और यहाँ से नीरज कुमार दोनों ओपनिंग कर रहे हैं। देखो वरुण नायावर का नाम आई थिंक यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन में है, तो इनको तो लेने का कोई खास मतलब बनता नहीं, बिल्कुल फॉर्म में नहीं है हाँ, लेकिन एक बात है कि ये बंदा ने लास्ट मैच के अंदर ओपनिंग जरूर की थी, तो यहाँ से उस हिसाब से उनको ट्राई करना चाहो तो कर सकते, बाकी रिस्की बहुत है। नीरज कुमार बैटिंग सेक्शन से अगर कोई अच्छी चॉइस ना मिले तो ट्राई करेगा, क्योंकि ऊपर से खेलते खेलते अभी लास्ट मैच के अंदर ओपनिंग ही करवा ली, तो यहाँ से कभी भी बड़ा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और इससे पहले भी उन्होंने 49 रन की एक पारी खेली हुई है, तो एक अच्छी पिक बन सकते हैं। बाकी सलमान निजार वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, पिछले 2 मैच के अंदर परफॉर्मेंस नहीं रहा लेकिन इससे पहले 4 मैच के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं, और वैसे भी ओवरऑल रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं यहां से करीबन 37 की एवरेज से 17 मैच के अंदर 437 रन किए, तो एज अ प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं। श्री रूप को अगर कोई जनता लेके जाए ना जाए लेकिन मैं इनको जरूर अपनी टीम के अंदर लेके जाऊंगा, क्योंकि बंदे ने पहली सेकंड लास्ट और इससे मिलने वाली मैच के अंदर दो विकेट लगातार निकाल रही थी, तो इनको मैं जरूर अपनी टीम के अंदर लेके जाऊंगा। बाकी अक्षय चंद्रन तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले, सारी पब्लिक लेके आने वाली और हम खुद अपनी टीम के अंदर लेके जाएंगे, इवन ज़्यादातर पब्लिक इनको कैप्टन या वाइस कैप्टनशिप के तौर पर भी ट्राई कर सकती है, तो यहाँ से आप भी अगर सेफ जाना चाहो तो इनको कैप्टन या वाइस कैप्टनशिप के तौर पर ट्राई कर सकते हो। धीरज प्रेम भी यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन में दिखेंगे, लेकिन हमको सिर्फ एक ही विकेट कीपर चाहिए, तो यहाँ से आप अगर रिस्की खेलते हो तो इनको ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं यहाँ से धीरज प्रेम को सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत ही नीचे है, हालांकि एक बार ये ओपनिंग भी करवा चुका है तो कभी भी ऊपर से भी खेल सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेगा। वैष्णव ईपी 35 रन किए थे और 2 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए विकेट नहीं मिली थी, इसके बाद 0 रन किए, तो फिर ओके पिक रहेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं है परफॉर्मेंस के अंदर तो फिर इनको लेने का कोई खास मतलब बनता नहीं है। उमर अबू बकर की बात करें तो इस बंदे ने भी ओपनिंग करवाई हुई है, तो ये भी बैटिंग से कभी भी ऊपर प्रमोट हो सकता है और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, तो अगर कोई अच्छी चॉइस ना मिले तो ट्राई करेगा, बाकी थोड़े बहुत ये भी रिस्की रह सकते हैं। बस एमटी मोहम्मद फैसल की बात करो तो इंपॉर्टेंट पिक तो नहीं है, लेकिन मैं इनको ट्राई जरूर कर सकता हूँ अपनी टीम के अंदर, क्योंकि देखो लास्ट मैच के अंदर सिर्फ 1 ओवर्स की गेंदबाजी की, लेकिन लास्ट मैच की बात करो तो काफ़ी कम ओवर्स की गेंदबाजी हुई थी, आई थिंक शायद 10 या 12 ओवर्स की गेंदबाजी की हुई थी, और वैसे एमटी फैसल की बात करो तो डेथ ओवर्स वगैरह में ही गेंदबाजी करता है, तो यहाँ से इन्होंने 1 ओवर्स की गेंदबाजी की थी, लेकिन रेगुलर बेसिस पर पूरी ओवर्स करता हुआ नजर आएगा, तो इसका फायदा मैं उठा सकता हूँ, मैं इनको अपनी टीम के अंदर लेके जा सकता हूँ। अफरीद कैदी ओके पिक रहेंगे, ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करना है, स्मॉल लीग के लिए बहुत रिस्की रहेंगे। बाकी शाहिद से भी एक अच्छी चॉइस है, अगर वो अच्छी चॉइस ना मिले तो ऐसे बॉलिंग सेक्शन से आप इनको ट्राई कर सकते हो। स्टार्टिंग ओवर्स की बात करते हैं, ऐसे एम सिरूप और ऐसे MF MT यानी कि मोहम्मद फैसल MT यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। डेथ ओवर्स मैंने मेंशन नहीं की हुई, क्योंकि यहाँ से जैसे कि मैंने पहले बताया था कि शायद 11 या 12 ओवर्स की गेंदबाजी हुई थी, तो यहाँ से डेथ ओवर्स मैंने मेंशन किए हुए नहीं है। तो बाकी बेंच की बात करें तो बेंच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। तो फर्जीन अगर खेलते हैं तो सीधी पिक रहने वाले हमारे लिए, बाकी और कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके लिए इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आइए चलिए देख लेते अभी हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं।
तो विकेट कीपिंग सेक्शन में ऐसे एके अर्जुन के साथ ही जाऊंगा। देखो ये इस बंदे की बात करें तो न्यायावर ने लास्ट मैच के अंदर ओपनिंग की और धीरज पेम इससे पहले वाली मैच के अंदर ओपनिंग किए थे, तो कभी भी दोनों में से कोई भी ऊपर आ सकता है। तो इनको अपने अकॉर्डिंग को डिफरेंशियल वे में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी स्मॉल लीग के लिए इन दोनों को पिक करने की जरूरत नहीं है, स्मॉल लीग के लिए एके अर्जुन ही काफ़ी है। बैटिंग सेक्शन से ऐसे सलमान निजार, यहाँ से नीरज कुमार, यहाँ से एस मोहन को मैंने लिया हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ से नीरज कुमार की जगह पर या फिर यहाँ से सलमान निजार, जो कि पिछले दो मैच के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो इनकी जगह पर मोहम्मद शानू को ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बहुत ही रिस्की रहेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग कुछ ऐसा कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हो, ऐसे अक्षय चंद्रन और यहाँ से एम श्रीरूप हमारी टीम के अंदर रहने वाले, बाकी वैशक चंद्रन को आप लेना चाहो तो ले सकते हो। बॉलिंग सेक्शन से ऐसे मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन जो है ज़्यादा यहाँ से मैंने बॉलिंग सेक्शन के ऊपर फोकस किया हुआ है, तो यहाँ से सुदेश मिथुन, यहाँ से अखिल एमएस, यहाँ से एनपी बसील, मोहम्मद फैसल, यहाँ से मनु कृष्णन, ये सारे बॉलर्स को मैंने पिक किया हुआ है। अभी भी यहाँ से ठीक ठाक, बाकी सारे प्लेयर्स की बात करो तो ठीक ठाक है, लेकिन फर्जीन अगर खेलते तो मैं इनको जरूर अपनी टीम के अंदर लेके जाने वाला हूँ। तो अभी के लिए कुछ इस तरह से टीम रह सकती है हमारी। कैप्टन हमारे रहेंगे ऐसे अखिल एमएस और यहाँ से वाइस कैप्टन मैंने अक्षय चंद्रन को दी हुई है। देखो ऑप्शंस की बात करते ऐसे एनपी बशील है एक अच्छी चॉइस है, ऐसे सुदेश मिश्रा एक अच्छी चॉइस है। इन दोनों प्लेयर्स में से आप किसी को भी कैप्टन या वाइस कैप्टनशिप के तौर पर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरी टीम कुछ इस तरह से रहेगी। लेकिन याद रहिए डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगी, फाइनल लाइन आपके पास, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक अटैच किया हुआ है, इनके अगर लिंक वर्क ना करे टेलीग्राम में जाके आप सर्च भी कर सकते हो फैंटासी रिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कर सकते हो, बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले और अच्छे मैचेस की वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले। तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में एक नई सरप्राइज वीडियो के साथ, तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा एनालिसिस करते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छी मीटिंग करते रहो। बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।